स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ममता बनर्जी को बड़ा झटका देते हुए बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को बीजेपी बंगाल का नया ऑब्जर्वर नियुक्त किया है। कैलाश विजयवर्गीय की जगह अब स्मृति ईरानी ले चुकी है। तो फिलहाल पश्चिम बंगाल में जो हिंसा का दौर लगातार चल रहा है, अब बीजेपी एक्शन मोड में नजर आ रही है। ममता बनर्जी उनके गुंडों के इस आतंक को हर मुमकिन जवाब देने की कोशिश बीजेपी की ओर से की जा रही है और एक बड़ा स्टेप लेते हुए बीजेपी ने अब बंगाल में अपना नया ऑब्जर्वर नियुक्त किया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को उन्होंने नया ऑब्जर्वर बनाया है। तो जाहिर तौर पर बंगाल में जिस तरीके की हिंसा का दौर जारी है, ऐसे में कहीं ना कहीं इस हिंसा पर निगरानी करने के लिए एक मजबूत चेहरे की जरूरत थी और अब स्मृति ईरानी को चुना गया है, जो कि आने वाले वक्त में ममता बनर्जी को कड़ा मुकाबला देती नजर आएगी। फिलहाल आपको बता दें, संदेश साफ है कि ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के गुंडों की इस अराजकता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जिस तरीके से बीजेपी ने यह बड़ा फैसला लिया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर स्मृति ईरानी को ही बीजेपी ने इस तरीके से पश्चिम बंगाल की हिंसा के बीच मैदान में क्यों उतारा है? आखिर क्यों उन्हें बंगाल का ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है? चुनाव प्रचार के दौरान बंगाल में संदेश मिल चुका है। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए और बीजेपी ने इस परिवर्तन की लहर को कहीं ना कहीं एक मुमकिन हद तक जीत भी लिया था, जिस तरीके से 77 सीटें हासिल की और उसमें स्मृति ईरानी एक ऐसा चेहरा जो कहीं ना कहीं इन सीटों को दिला पाने में कामयाब हुई, क्योंकि जो चुनाव प्रचार उनकी तरफ से किया गया वो बंगाली में लोगों के साथ संवाद करती नजर आई। ममता बनर्जी ने चुनौती दी थी कि दरअसल कोई भी बाहरी नेता बंगाली में बात नहीं कर सकता है, बंगाल को नहीं समझ सकता है, लेकिन ममता बनर्जी की इस चुनौती को स्वीकार करते हुए स्मृति ईरानी ने जो जनसभाएं की उसमें फराटेदार बंगाली बोलती नजर आई। और यही तमाम चीजें हैं जिसको लेकर अब जाहिर तौर पर यह माना जा रहा है कि स्मृति ईरानी जैसा चेहरा अब बंगाल में ऑब्जर्वर के लिए नियुक्त बीजेपी की ओर से किया गया है। इतना ही नहीं, चुनाव प्रचार के वक्त हिंसा अराजकता जो कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी के शासन में पिछले 10 सालों से हुई है, उस पर भी उन्होंने कई बार हमला खोला। महिला सुरक्षा की बात भी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी करती नजर आई। इसके अलावा ममता बनर्जी और उनके गुंडों पर जमकर बरसी, कहा कि सिर्फ बंगाल में हिंसा को जगह दी जा रही है, लेकिन ये बंगाल बदलना चाहिए और अब चूंकि बंगाल में टीएमसी के बाद बीजेपी ही दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, ऐसे में कहीं ना कहीं इस हिंसा को लेकर जिस तरीके से तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्याएं हो रही हैं, बीजेपी वोटर्स को निशाना बनाया जा रहा है और आखिर इस हिंसा के मद्देनजर बीजेपी क्या कुछ रिपोर्ट तैयार कर सकती है, उसके लिए ही अब स्मृति ईरानी का चेहरा बीजेपी ने चुना है। हालांकि कैलाश विजयवर्गीय पहले उनकी जगह पर बंगाल बीजेपी ऑब्जर्वर थे, लेकिन अब उनकी जगह स्मृति ईरानी को दी गई है। तो कहीं ना कहीं एक बड़े छटके के तौर पर ममता बनर्जी के लिए यह देखा जा रहा है, क्योंकि खुलेआम उनकी पार्टी के गुंडे जिस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ताओं, समर्थकों और बीजेपी वोटर्स को निशाना बना रहे हैं, अब उसका जवाब देने की कोशिश बीजेपी की ओर से लगातार की जा रही है। तो फिलहाल पश्चिम बंगाल में हिंसा की बात की जिस कदर बढ़ रही है और टीएमसी पुलिस प्रशासन भी कोई एक्शन लेता नजर नहीं आ रहा है। खुद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार इस हिंसा को दावत दे रही हैं, लगातार टीएमसी के गुंडों को हिंसा के लिए उकसाती नजर आ रही हैं और बीजेपी की ओर से हर मुमकिन एक्शन की कोशिश लगातार की जा रही है। बीजेपी जिस तरीके से उनके कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है, उस पर भी टीएमसी को खेड़ती नजर आ रही है। लेकिन पश्चिम बंगाल में अब राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, पश्चिम बंगाल में अब तानाशाही शासन जो है ममता बनर्जी का वो खत्म होना चाहिए, टीएमसी की इस गुंडागर्दी को जवाब देना जरूरी है, ये लोग लगातार मांग कर रहे हैं। और जैसे ही ये खबर सामने आई कि स्मृति ईरानी को बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में अब नया ऑब्जर्वर नियुक्त किया है, उसके बाद लगातार लोगों के रिएक्शन भी देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बंगाल में जिस तरीके से
दानव का किरदार ममता बनर्जी निभा रही है, उनका मुकाबला करने के लिए स्मृति ईरानी जैसे चेहरे की ही पश्चिम बंगाल में जरूरत है। एक महिला जिस तरीके से महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को नहीं देख पा रही है, जाहिर तौर पर अब स्मृति ईरानी अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी की ऑब्जर्वर है तो जाहिर तौर पर वो महिलाओं का दर्द समझ पाएंगी, ये भी लगातार लोग कहते नजर आ रहे हैं। कुछ अच्छा संकेत मिल रहा है, बंगाल में कुछ परिवर्तन हो सकता है, इन टीएमसी के गुंडों को जवाब दिया जा सकता है। इस फैसले के बाद यही बदलाव अब कहीं ना कहीं लोगों को दिखाई दे रहा है। तो ये बीजेपी ने जो फैसला किया है, जहां टीएमसी के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय कहीं ना कहीं फेल साबित होते नजर आए थे। जिस तरीके से बंगाल में लगातार बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्याएं हो रही थी, और ये बड़ा परिवर्तन जो किया गया है, ये न सिर्फ आपको बता दें इस बंगाल हिंसा के मद्देनजर किया गया है, बल्कि आने वाले वक्त में भी तैयारियों के लिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जैसा चेहरा पश्चिम बंगाल के मैदान में उतारा गया है। आपको बता दें केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी राहुल गांधी को अमेठी में पटकनी दे चुकी हैं, और कितने सालों का शासन वो अमेठी में राहुल गांधी का समाप्त कर चुकी हैं। इसके अलावा भी बतौर केंद्रीय मंत्री जिस तरीके से लोकसभा में वो बोलती नजर आती हैं, जिस तरीके से विपक्ष को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए जानी जाती हैं, अपने बयानों के लिए जानी जाती हैं, तो यही तमाम चीजें हैं जो उन्हें एक मजबूत किरदार के तौर पर लोग देखते हैं, और यही वजह है कि अब इस मजबूत राजनीतिक चेहरे को बंगाल में बीजेपी ने चुना है। और ऑब्जर्वर के तौर पर आने वाले वक्त में बंगाल हिंसा को लेकर क्या कुछ वो रिपोर्ट तैयार करेंगी और क्या कुछ रिपोर्ट केंद्र सरकार तक जाएगी, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल बीजेपी का ये बड़ा फैसला, जिसके बाद लोग लगातार इस फैसले का स्वागत करते नजर आ रहे हैं। तो बंगाल में ममता बनर्जी वर्सेस स्मृति ईरानी हम चुनाव प्रचार के वक्त देख चुके हैं, जब तीखा प्रहार ममता बनर्जी पर स्मृति ईरानी की ओर से किया गया। चुनाव प्रचार के वक्त महिला सुरक्षा से लेकर बंगाल में हिंसा पर तमाम सवाल उन्होंने ममता बनर्जी और उनके प्रशासन पर उठाए। उन्होंने कहा कि सीएम ममता बनर्जी बलात्कार को भी राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती हैं। इसके अलावा तमाम सवाल कानून व्यवस्था को लेकर भी उनकी तरफ से उठाए गए। हालांकि बदलाव की कोशिश बीजेपी की ओर से भी की गई, लेकिन फिलहाल पश्चिम बंगाल में जो हालात बने हुए हैं, जिस तरीके से वहां लगातार हिंसा देखने को मिल रही है, खुलेआम ये हत्याएं गुंडागर्दी लगातार देखने को मिल रही है, और सीबीआई ने जो एक्शन अब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के मंत्रियों पर लिया है, उन्हें की गिरफ्तारी की गई है, उसके बाद अब एक और तांडव टीएमसी के इन गुंडों की तरफ से पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है। राज्यपाल से लेकर केंद्रीय जांच एजेंसी के दफ्तर तक को घेरने का षड्यंत्र और साजिश टीएमसी के लोग रस्ते नजर आ रहे हैं। अधिकारियों पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। तो यही लगातार तस्वीरें पश्चिम बंगाल से बीते सालों में नजर आई है, जिस तरीके से ये गुंडागर्दी का शासन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की ओर से किया गया। लेकिन अब बीजेपी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, और जाहिर तौर पर हर मुमकिन जो मुसीबत है वो अब ममता बनर्जी की बढ़ चुकी है, क्योंकि हर एक मामले पर जवाब उनसे मांगा जा रहा है। हालांकि वो केंद्र पर ही उल्टा सवाल उठाती नजर आई है, लेकिन फिलहाल पश्चिम बंगाल में जो हिंसा की बानगी है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। फिर चाहे वो चुनाव नतीजों के बाद पश्चिम बंगाल के अलग अलग क्षेत्रों में हुई हिंसा की बात हो, या फिर अब सीबीआई के एक्शन पर जिस तरीके केंद्रीय सुरक्षा बल और केंद्रीय जांच एजेंसी को निशाना बनाया जा रहा है, उन पर पथराव और आगजनी की जा रही है, और उन गुंडों पर ममता बनर्जी कोई एक्शन लेती नजर नहीं आ रही है। ममता बनर्जी सरकार और उनका पुलिस प्रशासन मूकदर्शक बनकर इस पूरी स्थिति को सिर्फ देख रहा है, और कहीं ना कहीं इन टीएमसी के गुंडों को हिंसा के लिए लगातार ममता बनर्जी उकसाती भी नजर आ रही है। लेकिन इस पूरी हिंसा को लेकर बीजेपी अब कहीं ना कहीं एक सख्त रुख अपना चुकी है। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष के तमाम बयान ऐसे सामने आए हैं कि दरअसल कोर्ट पर ममता बनर्जी को यकीन नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से घूसखोरी की गई है, जाहिर तौर पर उसका जवाब उन्हें देना होगा। इसके अलावा हिंसा पर उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा है कि पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से हिंसा हुई है, लगभग 15,000 से ज्यादा हिंसक घटनाएं पश्चिम बंगाल के अलग अलग
अलग-अलग क्षेत्रों में देखी गई है, जिसमें उन्हें अपने 21 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को खोया है, उनकी जान गई है। और इस तरीके से टीएमसी का ये तानाशाही शासन पश्चिम बंगाल में वो नहीं चलने देंगे। बदलाव होना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, क्योंकि ममता बनर्जी की यह गुंडागर्दी अब बर्दाश्त से बाहर है। हालांकि मौत का ये जो आंकड़ा है ये काफी ज्यादा है, क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें बंगाल से निकलकर सामने आई वो थमने का नाम नहीं ले रही है। हर रोज वहां बीजेपी कार्यकर्ताओं, समर्थकों और वोटर्स को निशाना बनाया जा रहा है। हिंदुओं को पलायन करने पर ये घुसपैठिए रोहिंग्या मजबूर कर रहे हैं और कहीं ना कहीं एक अलग तस्वीर पेश करने की कोशिश बंगाल की हो रही है। लोग भी लगातार ये चिंता जाहिर कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में बदलने की कोशिश जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी बंगाल को कर रही हैं वो नहीं होनी चाहिए, इससे पहले ही बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। लेकिन इस पूरे हिंसा के बीच बीजेपी ने ये जो बड़ा फैसला किया है ये ममता बनर्जी की मुश्किलें जाहिर तौर पर बढ़ाता नजर आएगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।